विधुना तहसील क्षेत्र के गांव कीरतपुर में नया तहसीलदार अभिनव वर्मा एसएमआई ने कीरतपुर में आरती अतर सिंह पाल पर छापेमारी करके सरकारी बोरी में गेहूं भरे हुए पकड़े, जिसमें करीब 400 बोरी के आसपास गेहूं और चावल बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान आरती पर बैठे लोगों ने नायब तहसीलदार अभिनव वर्मा, दीपक कुमार नेपाल, अनु वाजपेयी, अमीन अमन चांद, हरीश चंद्र दुबे एवं संतोष कुमार एसएमआई मंडी निरीक्षक सुरेश कुमार और एसडीएम राशिद अली मौजूद थे। आड़त पर मौजूद लोग पुलिस फोर्स देकर भाग गए, जबकि जानकारी मिलते ही भाजपा नेता भी पहुंचने लगे और प्रशासन से नोकझोंक भी होने लगी। प्रशासन आड़त पर मौजूद थे। औरैया से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। में ये गल्ला पकड़ा गया है, ये क्या मामला है पूरा? यहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच करने नायब साहब यहाँ पे आए हुए थे, उनके द्वारा कुछ गतिविधि की गई नायब साहब के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कोर्ट भेज दिया, इसमें ही आगे सप्लाई इंस्पेक्टर आगे सभी लोग यहाँ पर आ गए, आकर की जाँच की गई और वो आदमी भाग गया। तो उसका ताला भी तोड़ करके, वीडियोग्राफी के साथ ताला तोड़ करके हम लोग अंदर जा रहे जाँच किए। जाँच में पाया जा रहा है कि जो गेहूँ है, गेहूँ जो रखा है वो 50 किलो की बोरी का है, सिलाई मशीन के साथ उसका सिला हुआ है और सिलाई मशीन भी यहाँ बरामद हुआ है और चावल भी राशन की चावल बरामद हुए हैं, ठीक है। तो कुछ बोरियाँ राशन के जो राशन डीलर जो चावल यूज़ करते हैं वो बरामद हुए हैं। कितनी बोरियाँ हैं एग्जैक्ट? तो अभी हम लोग उसको काउंट करेंगे, खाएंगे तो हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग वाहन बुलाएँ, वाहन आएंगे उसको लगवाएंगे, गिनेंगे तब बताएंगे एग्जैक्ट बोलिए। लगभग में कितनी होगी? जो नियमों का जो 3/7 के साथ साथ अन्य धाराओं के साथ FIR दर्ज करके क्रिम कार्रवाई की।